रहीम, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सी डॉर्मेंसी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी डॉर्मेंसी। तो सी डॉर्मेंसी बेसिकली एक बायोलॉजिकली एक अडाप्टिव मैकेनिज्म है जिसमें सीड जो है अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल मैकेनिज्म है ये प्लांट्स के अंदर। जैसे ही लेस फेवरेबल इन्वायरमेंट का जो पीरियड है वो पास आउट करता है, सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं। इवन जो सीड डॉर्मेंसी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली इवन के इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल भी हों तो भी सीड जर्मिनेट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि समटाइम ड्यूरिंग सीजन ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं, टेम्परेचर या इन्वायरमेंट में ऐसी चेंज आती है कि वो जो कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड होता है। अगर प्लांट उसमें सीड जो है उसमें जर्मिनेट कर जाए तो मे बी जैसे वो जर्मिनेट करें सीडलिंग मर्ज आउट हो दोबारा से कंडीशंस बैक हो जाएं, उसी सिचुएशन पे आ जाएं। जैसा कि गर्मियों में अगर आप देखेंगे कभी किसी जगह पे बारिश और साथ हेल्स हो जाएं, ज़्याला बारी हो जाए, तो फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेचर डाउन हो जाता है कुछ उसी आधे एक दिन के लिए, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड होता है। अब अगर प्लांट सीड जो है जस्ट इसी चीज़ को सेंस कर लें कि जी इन्वायरमेंटल में फेवरेबल कंडीशन आ गई है, अब हमें जर्मिनेट करना चाहिए, तो इस तरह फिर उनमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो डॉर्मेंसी का जो मैकेनिज्म है वो प्लांट के सीड्स को इस तरह जो है वो इक्विप करता है कि जब उसका सीजन आएगा, नॉर्मल ग्रोथ सीजन आएगा, प्रॉपर उसकी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, उसमें वो जाकर जर्मिनेट करेगी। सो डॉर्मेंसी जो होती है जैसे प्लांट से सीड सेपरेट होते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग, उनको लहदा किया जाता है, उस टाइम पे फॉर द शॉर्ट पीरियड वो अपने आप को उस कंडीशंस में उस स्टेट में ले जाते हैं जिसमें वो जर्मिनेट नहीं करते, भले कंडीशन जो है वो फेवरेबल भी हों। तो एक टेम्परेरी फ्लेवर होता है जिसमें वो प्लांट सीड जो होते हैं वो डॉर्मेंट होते हैं और वो जर्मिनेट नहीं करते फेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद भी। अब इसमें करते क्या है, प्लांट सीड जो है अपनी आप को अपनी जर्मिनेशन को डिले करते हैं, ठीक है, और ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है टू कोप अप दी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस। डॉर्मेंसी जो होती है वो इसलिए भी आती है कि अगर सम टाइम इन सीड एक जर्मिनेट कर रहा होता है, उसने जर्मिनेट करना होता है, उसका जर्मिनेशन का टाइम भी आ चुका होता है, लेकिन अचानक से अगर जर्मिनेशन की कंडीशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएं, तो प्लांट्स में सीड्स वो एक अडेप्टिव मैकेनिज्म होता है जिसके तहत सीड जो है जर्मिनेट नहीं करते। सो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी सम टाइम जो है वो डॉर्मेंसी इंड्यूस हो जाती है, इसको सेकेंडरी डॉर्मेंसी भी बोला जाता है। अब सीड डॉर्मेंसी जो होती है ये अलाउ करती है कि सीड को डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्मिनेशन इन स्पेस। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स जिनका जो सीड का जो डिस्टर्बल डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है बाय विंड होता है, जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, सो अब उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए उस दौरान जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो सीड डॉर्मेंट होता है। अगर वो डॉर्मेंट ना हो तो जैसे ही वो प्लांट से सेपरेट हो सॉइल पे गिरे तो फिर वो जर्मिनेट करना शुरू कर दे, लेकिन अगर वो डॉर्मेंट होगा तो फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब उसके डिस्पर्सल के मैकेनिज्म मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एनिमल की एक्टिविटीज से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सम टाइम वो विंड से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्पर्स होता है। सो इस तरह से डॉर्मेंसी जो होती है उसको इन स्पेस यानी एक जगह से दूसरी जगह में उसकी जर्मिनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। जहाँ से वो मेच्योर हुआ, जिस प्लांट से वो मेच्योर हुआ, वहाँ से वो सेपरेट होता है, अलहदा होता है और किसी दूर एरिया में जाके जो है वो दोबारा जर्मिनेट करते हैं, और उस दौरान जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो डॉर्मेंट रहता है। मुख्तलिफ जगहों से जब वो गुजरता है तो वो जर्मिनेट नहीं करता क्योंकि वो डॉर्मेंट होता है। फिर इसके बाद ये है कि डॉर्मेंसी का बायोलॉजिकल रोल क्या है। डॉर्मेंसी सीड के डिस्पर्सल में जैसे हमने बात की कि हेल्प आउट करती है, उसको प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है,
ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि एक पॉलीमॉर्फिज्म का जो मैकेनिज्म है, हेट्रोमॉर्फी या हेट्रोब्लास्टी, उसको भी जो है वो फैसिलिटेट करती है, जिसमें प्लांट जो है, प्लांट सीड अपने आप को डिस्पर्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उस डिस्टेंस के दौरान, उस ट्रैवलिंग के दौरान वो डॉर्मेंट रहते हैं और जर्मिनेट नहीं करते। अगर वो इसी दौरान जर्मिनेट कर जाए तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होती है, तो उनको वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है डॉर्मेंसी। नेक्स्ट ये भी है कि डॉर्मेंसी जो होती है वो जर्मिनेशन का जो टाइम होती है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के। समटाइम ये होता है, जैसे मैंने बात की कि फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं तो फेवरेबल हो जाते हैं कि वो जर्मिनेशन को अलाउ कर सकें, लेकिन क्योंकि वो ऑप्टिमम टाइम पीरियड नहीं आया होता, वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए वो ऑप्टिमम कंडीशंस आती हैं। अगर सिर्फ जर्मिनेशन की कंडीशंस को फेवरेबल देखते हुए सीड जर्मिनेट कर जाए, तो जैसे ही वो जर्मिनेट करेगा उसकी सीडलिंग निकलेंगी, दोबारा से एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल हो जाएंगी और वो जो यंग सीडलिंग निकली है उनकी डेथ हो जाएगी। सो इस तरह से जो है वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को, जर्मिनेशन टाइम में भी उसको जो है वो हेल्प आउट कर रही है। फिर ये है कि सीड जर्मिनेशन जो है वो स्पेस की बात हो गई, ठीक है, कि जी स्पेस में भी उसको प्रोवाइड करती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसने एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इकोलॉजी में हेल्प आउट करती हैं। आगे बात आती है कि टाइप्स क्या हैं डॉर्मेंसी की। सो डॉर्मेंसी जो है बेसिकली दो इसकी टाइप्स गिनी जाती हैं, एक प्राइमरी डॉर्मेंसी और एक सेकेंडरी डॉर्मेंसी। प्राइमरी डॉर्मेंसी वो स्टेट है जिसमें वो प्लांट से जब सीड गिरता है तो वो गिरता ही शेड जब होता है, उससे सेपरेट होता है, तो वो डॉर्मेंट स्टेट में होता है, ठीक है। ये नहीं है कि वो जर्मिनेट कर सके। तो जो सेकेंडरी डॉर्मेंसी है उसमें नॉन डॉर्मेंट सीड गिरता है, सीड इस काबिल होता है कि वो जर्मिनेट कर सके, लेकिन वो इस वजह से जर्मिनेट नहीं करता कि एनवायरमेंट की कुछ कंडीशन जो होती हैं वो अनफेवरेबल होती हैं, और फिर प्लांट के अंदर वो मैकेनिज्म होता है कि वो उसको सेंस करता है कि अभी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अभी मुझे जर्मिनेट नहीं करना चाहिए। तो नॉन डॉर्मेंट सीड जो है वो डॉर्मेंसी में जाता है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। सो ये बेसिकली है कि प्राइमरी डॉर्मेंसी में प्लांट का जो सीड जब सेपरेट होता है अपने पेरेंट प्लांट से, जब शेड करता है तो शेड ही डॉर्मेंट स्टेट में होता है, उसमें डॉर्मेंसी एग्जिस्ट कर रही होती है। और दूसरी टाइप में है जिसमें क्या है कि नॉन डॉर्मेंट सीड होता है, लेकिन जैसे ही वो पेरेंट प्लांट से शेड करता है वो जर्मिनेट करने की फेज में जाना ही लगता है, लेकिन वो सेंस करता है कि अभी टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है या अभी मॉइस्चर की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए जर्मिनेट नहीं करना चाहिए, और फिर वो उसके अंदर ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो फिजियोलॉजिकली उसको दोबारा से डॉर्मेंसी में इंड्यूस करवा देते हैं। उसमें इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी भी बोला जाता है, या सेकेंडरी डॉर्मेंसी। फिर इसके बाद मैकेनिज्म की बेस पे भी है कि डॉर्मेंसी किस वजह से है, किस पार्ट की वजह से है। तो इसमें पहली बार टाइप है कि फिजिकल डॉर्मेंसी या एक्सोजीनस डॉर्मेंसी। फिजिकल का मतलब यही है कि उसकी किसी की ऐसे स्ट्रक्चर की इन्वॉल्वमेंट है, स्ट्रक्चरल कुछ वेरिएशंस हैं जिनकी वजह से वो टर्मिनेट नहीं कर पा रहा। अब फिजिकल डॉर्मेंसी की बात करते हैं तो सब उसमें सबसे मेन चीज जो होती है वो सीड कोट का होता है, कि जी सीड कोट जो होता है वो टर्मिनेशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा, ठीक है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक में मेन जो होता है वो सीड कोट आता है, ठीक है। सीड कोट क्या करता है, सीड कोट हिंडर करता है जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को, फॉर एग्जांपल वाटर की अवेलेबिलिटी को या फिर गैसेस की अवेलेबिलिटी को। वाटर नहीं होगा, वाटर सबसे पहले हमें पता है जर्मिनेशन का जो पहला स्टेप है इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन नहीं होगी सो सीड का जर्मिनेशन का बाकी प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा गैसेस की ब्लॉकेज होगी, गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमें पता है जर्मिनेशन की फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जैसे ही सीड जर्मिनेट इम्बाइब करता है वाटर को तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए फूड की ब्रेक डाउन करनी होती है, और वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से होनी होती है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो सीड कोट जो होता है वो
इम्परमीएबल जब होगा तो वो वाटर को और गैसेस को हिंडर कर देगा, ना वाटर मूवमेंट होगी इनसाइड द सीड, इम्बेबेशन नहीं होगी, जर्मिनेशन नहीं होगी। दूसरा ऑक्सीजन नहीं होगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी। तीसरी चीज जो है वो हार्ड सीड है। हार्ड सीड में अगेन वही बात है कि एक तो सीड कोट हार्ड है और दूसरा क्या होता है कि जो सीड के एम्ब्रियो के इर्द गिर्द, हमें पता है कि एम्ब्रियो मोस्टली कवर्ड होता है एंडोस्पर्म से या फूड स्टोरेज ऑर्गन से, तो वो हार्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं जो एम्ब्रियो को कवर करके रखते हैं हार्ड सीड में, तो एंडोस्पर्म जो टिश्यू है वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होता है उसको एम्ब्रियो की जर्मिनेशन में। तो डॉर्मेंसी जो फिजिकल डॉर्मेंसी है वो रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रक्चर, इसको एक्सोजीनियस भी बोला जाता है। एक्सोजीनियस मोस्टली आउटसाइड आउटसाइड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर बाहर जो काम हो रहे हैं। फिर दूसरी टाइप होती है फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी, इसको एंडोजीनियस डॉर्मेंसी भी बोला जाता है। ये इंटरनली हो रहे होते हैं, ये जो काम हो रहे होते हैं ये सारे मोस्टली एम्ब्रियो के इनसाइड हो रहे हैं। सीड का जो एम्ब्रियो है उसमें इनसाइड जो है वो डिफरेंट ऐसे मैकेनिज्म चल रहे हैं जो उसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहे। टाइप ऑफ डॉर्मेंसी विद फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, अब इसमें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनहिबिटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एम्ब्रियो की कंडीशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं कि वो इमेच्योर है या अनडिफरेंशिएटेड है, उसके सेल्स जो है वो प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं हुए। जब सीड का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है डेवलपमेंट के दौरान, तो सीड के सेल एम्ब्रियो के सेल डिवीजन होती है एक से दो, जो आपने पढ़ा था दो से चार, फिर उसके बाद एट सेल, ऑक्टेंट स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज, डिवीजन होती है। डिवीजन के साथ साथ फिर जब आती हैं हर्ड स्टेज आती हैं, उसमें फिर डिफरेंशिएशन होती है, पैटर्न फॉर्मेशन होती है, कहाँ से रूट बननी है, कहाँ से शूट बननी है। सो अगर एम्ब्रियो इमेच्योर होगा उसमें वो सेल्स की डिफरेंशिएशन नहीं होगी कि किस कहाँ से रेडिकल बनना है, कहाँ से प्लोम्यूल बनना है, कहाँ से रूट बननी है, कहाँ से फ्यूचर शूट बननी है, वो डिफरेंशिएशन पुअरली डिफरेंशिएटेड होंगे तो उससे भी जो है वो डॉर्मेंसी होगी। एम्ब्रियो या तो इमेच्योर है या प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो है। दूसरा हार्मोनल इनहिबिटर्स हो सकते हैं। हार्मोनल इनहिबिटर्स में बात की हम, जैसे सीड जर्मिनेशन के वाले से दो जो है हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, दूसरी हम बात करते हैं जिब्रिलिक एसिड की, ठीक है। और इसके अलावा इथाइलिन हो गया और ब्रासिनोस्टेरॉइड, BR stands for brassinosteroids। Embryo पड़ा हुआ है, एक तरफ inhibitors लगे हुए हैं, दूसरी तरफ promoter लगे हुए हैं, ठीक है। Promoters में ethylene जो है वो dormancy को break करता है और germination cause करता है। दूसरी तरफ जो brassinosteroid है और gibberellic acid है GA, ये दोनों hormone क्या करते हैं, alluron layer से जो hormones हैं उन जो enzymes की production होती है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जिन्होंने फूड रिजर्व्स की ब्रेकडाउन करनी है, फूड को रिजर्व्स को मोबिलाइजेशन करवानी है, सो वो एंजाइम उनकी जो एक्सप्रेशन होता है, उनकी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन्स जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करवाता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या है, एक जर्मिनेशन प्रोमोटर है, ब्रासिनोस्टेरॉइड भी जर्मिनेशन प्रोमोटर्स हैं, इथाइलिन जो है वो इन डॉर्मेंसी ब्रेकिंग के लिए यूज होता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इथाइलिन डॉर्मेंसी को ब्रेक किस तरह करता है, या तो वो जीए की प्रोडक्शन को जो है वो प्रमोट करता है, या दूसरी तरफ जो एब्सिसिक एसिड है जो इनहिबिट कर रहा है उसकी फॉर्मेशन को स्लो डाउन करता है। तो दूसरी तरफ एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी क्रिएट करता है। सो अगर नॉर्मली जब सीड मेच्योर हो रहा होता है, जब एम्ब्रियो अपनी मेच्योरेशन की तरफ जा रहा होता है, जैसे ही वो सीड मेच्योर होता है, हार्वेस्ट होता है, फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी आती है, उस टाइम पे मोस्टली जो होती है सीड का जो एम्ब्रियो होती है उसमें एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन हायर होती है, तो इस वजह से भी फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड जो है वो डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स भी होते हैं जो कि इनहिबिशन काज करते हैं। मेटाबॉलिक इनहिबिटर जर्मिनेशन के कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जिनमें मोस्टली हैवी मेटल्स हो गई, सो या कुछ कंपाउंड्स होते हैं साइनाइड्स वगैरह, इस तरह के और दूसरे कंपाउंड्स,
वो भी ये फिनोलिक के कंपाउंड्स हो गए। तो ये सारे कंपाउंड्स भी सीड का जो होते हैं डारमेंसी, जो एम्ब्रियो में डारमेंसी काज करते हैं। तो दो मेन हमने डारमेंसी की टाइप पढ़ी, एक एक्सोजीनस डारमेंसी और एक एंडोजीनस डारमेंसी। एक्सोजीनस डारमेंसी को फिजिकल डारमेंसी भी बोला जाता है, जो कि सीड कोड की वजह से हो सकती है, सीड के स्ट्रक्चर की वजह से। इसमें स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, आउटसाइड द एम्ब्रियो बात हो रही होगी चीजों की। दूसरी चीज है फिजियोलॉजिकल डारमेंसी, जिसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन्वॉल्व है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में एम्ब्रियो के फिजियोलॉजिकली यदि वो पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इमेच्योर है, या दूसरा हार्मोनल इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। हार्मोनल इनहिबिटर्स में जिब्रेलिक एसिड की लेस प्रोडक्शन या एब्सिसिक एसिड की हायर प्रोडक्शन, वो भी डारमेंसी काज करेगी। फिर इसके अलावा मेटाबॉलिकली इनहिबिटर्स की बात की, मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स में फिनोलिक कंपाउंड्स मोस्टली जो होते हैं। फिर इसके अलावा हैवी मेटल्स हो गई, तो इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो भी मेटाबॉलिकली एम्ब्रियो की ग्रोथ को जो इफेक्ट करते हैं और जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं और डारमेंसी को जो है वो प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीड विगर टेस्टिंग के हवाले से है। सो विगर टेस्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली सीड विगर जो है वो रिलेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ अलाइवनेस, कि जो सीड वायबल है उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, पोटेंशियल टू परफॉर्म विगरसली। और इसमें जो विगर है वो ये भी डिटरमिन करती है कि अंडर वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर आप सीड विगर की प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं तो उसमें है कि सीड विगर क्या है, सम ऑफ दोज प्रॉपर्टीज विच इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी और पोटेंशियल परफॉर्मेंस इन अंडर वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, सीड विगर क्या है, सम ऑफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स विच इंडिकेट्स its ability or potential performance under wide range of environmental conditions। अब जो germination test होता है वो ideal conditions में perform किया जाता है, जो vigor test होंगे वो हमेशा various wide range of environmental conditions के varying environmental conditions में होंगे। जैसा कि field condition में होता है, कभी temperature higher होता है, कभी temperature low होता है, कभी humidity higher होती है, कभी humidity low होती है। ठीक है, so डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जब अगर आप सीड की जर्मिनेशन को टेस्ट करते हैं तो आप उसकी एक्चुअली विगर को टेस्ट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जो मेन विगर टेस्ट यूज हो रहे हैं आजकल करेंटली, और इस्टा उनको जो है इस्टा से जो है वो एक्रेडिटेड लेबॉरट्रीज जो हैं वो जो जर्मिनेशन टेस्ट विगर टेस्ट जो कंडक्ट करती हैं उनमें कोल्ड जर्मिनेशन टेस्ट, एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट, कंट्रोल्ड डिटीरियोरेशन टेस्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट और सीडलिंग ग्रोथ रेट जो है इनको देखा जाता है। इसके अलावा एक्सर जो है अपना टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट जो होता है, टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, उसको भी कुछ जो है साइंटिस्ट एज अ विगर टेस्ट के तौर पर लेते हैं, जिसमें वो देख लेते हैं कि अगर तो यूनिफॉर्मली सीड का एम्ब्रियो स्टेन हो रहा है रेड कलर से तो उसको वो कहते हैं कि ये हाई विगर है, और अगर पुअरली वो स्टेन हो रहा है, पैचेस में स्टेन हो रहा है, कहीं से ब्राइट कलर में है, कहीं से ब्राइट रेड कलर में है, कहीं से डार्क रेड कलर में है, तो वो इसको फिर शो करता है कि जो उसका एम्ब्रियो है वो प्रॉपरली वायबल नहीं है, कुछ एरिया जो है, कुछ पैचेस जो है वो डेड हो चुके हैं। तो मेनली जो होते हैं कोल्ड जर्मिनेशन, एक्सेलरेटेड एजिंग, कंट्रोल डिटीरियोरेशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इस्टा की जो विगर टेस्ट का जो चैप्टर है उसमें ये चार टेस्ट जो है वो मेनली डिस्कस होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सीडलिंग ग्रोथ रेट को भी उसमें ऐड करते हैं, कुछ लोग जैसे मैंने बात की टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट जो होता है उसको भी एज अ विगर टेस्ट लेते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं साइंटिस्ट जो है वो ब्रिक ग्रेवल टेस्ट को भी लेते हैं कि जी सीड को जो है वो पुअरली जो मीडिया होता है ग्रोथ मीडिया जो होता है लार्ज पार्टिकल साइज जिसमें ग्रेवल्स हों स्टोन्स हों ब्रिक ग्रेवल टेस्ट बोलते हैं इसको, उस पर जर्मिनेट करवाते हैं। कुछ लोग पेपर पेयरसिंग टेस्ट पे फिल्टर पेपर में से देखते हैं कि कौन से सीड में जो है उस सीडलिंग इतनी जो है वो
कह लें कि विग्रस हैं, कि वो पेपर को जो है वो क्लियर करके पेपर में से गुजर के बाहर निकल सकें। तो लेकिन इसका के अकॉर्डिंगली कोल्ड जर्मिनेशन, एक्सेलरेटेड एजिंग, कंट्रोल डिटीरियोरेशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, ये चार ही जो है वो ज्यादा जो है वो ऑथेंटिक गिने जाते हैं। अब विगर टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? तो विगर टेस्ट में बेसिकली यही चेक करना होता है कि जो सीड लॉट है, सैंपल है, वो क्या वो यूनिफॉर्मली जर्मिनेट कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्मली जर्मिनेट कर रहा है तो किस स्पीड से जर्मिनेट कर रहा है, उसका रेट और यूनिफॉर्मिटी वो देखनी होती है सीड की ग्रोथ की। फिर इसके अलावा फील्ड परफॉर्मेंस से हमें अब हम मैच करते हैं अपनी सीड लॉट को कि हमारा जो सैंपल है वो फील्ड की कंडीशन के अंदर जाकर कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी फिर रेट भी देखा जाता है, उसको यूनिफॉर्मिटी को फील्ड के अंदर से भी जो है वो देखा जाता है। फिर उसकी परफॉर्मेंस, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, क्या आपने सीड सैंपल को स्टोर किया, इनिशियली आपने उसकी जर्मिनेशन चेक कर ली, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपने निकाला, आपने उसकी दोबारा जर्मिनेशन चेक की, जर्मिनेशन फिर उतनी आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल, इनिशियल जर्मिनेशन भी है, फाइनल भी उतनी है, अब उसमें क्या डिफरेंस किस चीज का होगा? उसमें डिफरेंस विगर का होगा, डेफिनेटली फ्रेशली उसकी विगर ज्यादा होगी, छह महीने साल गुजरने के बाद उसकी विगर कम होगी, जब आप उसको स्ट्रेस कंडीशन में लेकर जाएंगे तो उसकी जर्मिनेशन वो नहीं होगी जो वो लेबोरेटरी के अंदर जर्मिनेशन टेस्ट में शो कर रहे हैं। तो इसलिए भी विगर टेस्ट लगाए जाते हैं ताकि फील्ड के अंदर हमारा जो सीड सैंपल है वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसको उससे जो है वो असेस की जाती है उसकी फील्ड परफॉर्मेंस को। लेकिन विगर टेस्ट जो है वो जर्मिनेशन टेस्ट का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अब ये भी कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो डिफरेंट रुख हैं, एक ही सिक्के के दो मुख्तलिफ रुख हैं। डेफिनेटली जिसकी विगर 80% है उसकी जर्मिनेशन तो 80% होगी ही होगी, लेकिन जिसकी जर्मिनेशन 80% है मे बी उसकी विगर 60 पे हो, मे बी उसकी 50 पे हो। तो इसलिए फील्ड में जाके किसी लॉट ने कैसे परफॉर्म करना है, आइडियली जो है वो विगर टेस्ट को भी परफॉर्म करना चाहिए। अब इसमें जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं विगर, हम उसका जो है वो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें मेनली। तो कोल्ड जर्मिनेशन टेस्ट नॉर्मली कॉर्न मेज के लिए जो है वो लगाया जाता है, ठीक है, और ये टेस्ट जो है वो नॉर्मली यूएसए में मोस्टली एओएसए ने इसको जो है वो अडेप्ट किया है, क्योंकि कॉर्न जहाँ अमेरिका में लगती है उन एरियाज में जब कॉर्न का इनिशियल ग्रोइंग सीजन होता है, स्टार्ट पे जब उसकी सोइंग करते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, कोल्ड विंड्स होती हैं, एक्सेसिव रेन्स होती हैं, सो वो अपने जो सीड सैंपल है वो चेक करना चाहते हैं कि इस तरह की कोल्ड विंड्स के अंदर लो टेम्परेचर में और वेट कंडीशंस में जाके हमारा सीड कैसे परफॉर्म करेगा। सो उसको मिमिक करने के लिए उन्होंने कोल्ड टेस्ट निकाला है, उसमें फिर वो क्या करते हैं सीड को इम्बाइब करवा के लो टेम्परेचर के ऊपर 5-7 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक वीक के लिए रख देते हैं। आफ्टर वन वीक वो क्या करते हैं उसको ये चिलिंग ट्रीटमेंट देने के बाद उसको नॉर्मल जर्मिनेशन टेम्परेचर पे ले जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितने परसेंट सीड जर्मिनेट करते हैं। डेफिनेटली जब लो विगर सीड होगा आप उसको इस तरह का चिलिंग ट्रीटमेंट देंगे 5-7 डिग्री सेल्सियस इतने लो टेम्परेचर पे इम्बाइब करवा के रखेंगे तो उसमें चिलिंग इंजरी होगी, जो लो विगर सीड होगा उसमें इंजरी ज्यादा हो जाएगी, और वो जब नॉर्मल टेम्परेचर पे शिफ्ट करेंगे तो वो कम जर्मिनेट करेगा। सो इस तरह से वो अपने सीड की जो है विगर को असेस करते हैं कि लो टेम्परेचर में जाके वेट कंडीशंस में जाके हमारा सीड लॉट कैसे परफॉर्म करेगी। फिर उसके बाद जो है वो उसको दोबारा नॉर्मली उसका ऑप्टिमम जर्मिनेशन टेम्परेचर पर रख के उसका काउंट कर लेते हैं और फिर उसी फिर वो उसकी जर्मिनेशन को असेस कर लेते हैं। सेकेंड इसमें आता है एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट। एक्सेलरेटेड एजिंग में क्या है, नॉर्मली जब आप सीड को स्टोर करते हैं तो सीड की एजिंग होती है, सीड में डिटीरियोरेशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी जर्मिनेशन भी कम होती है, उसकी विगर भी कम होती है। तो एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट में क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियली वो कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। आप स्टोरेज में एजिंग कौन सी कंडीशन करवाती है, हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर, और हाई मॉइस्चर सीड के अंदर कब आता है, जब एनवायरमेंट के अंदर स्टोरेज एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी हाई होती है। तो एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट में यही कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं, हाई टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी में सीड को एक्सपोज किया जाता है, अबव 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेट की जाती है, 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया जाता है।
इस दौरान और तीन दिन के लिए 48 आवर्स के लिए सीड को एक्सपोज करते हैं, उसके बाद फिर सीड का जो है नॉर्मल जर्मिनेशन टेस्ट लगा के चेक करते हैं कि एजिंग कंडीशंस में एक्सपोज करने के बाद सीड की जो लॉट है उसकी जर्मिनेशन में क्या फर्क है, इससे फिर उसकी जो है वो विगर असेस कर ली जाती है। जो लो विगर सीड होगा वो इस तरह की डैमेजिंग कंडीशन में जल्दी डिटीरियोरेट करेगा और उसमें से मोस्ट ऑफ द जो सीड की जो नंबर ऑफ सीड्स हैं वो डेड हो जाएंगे और उनकी जर्मिनेशन उसी हिसाब से कम हो जाएगी परसेंटेज। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड डिटीरियोरेशन। कंट्रोल्ड डिटीरियोरेशन में क्या किया जाता है, इसमें भी इसी तरह जैसे कि एक्सेलरेटेड एजिंग है उसी में ही इसी तरह जो है वो उसकी एजिंग करवाई जाती है, लेकिन इसमें एजिंग की जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा हार्श नहीं की जाती, ठीक है। लाइक सीड को जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर जो सॉरी मॉइस्चर है इंक्रीज किया जाता है, 20% मॉइस्चर तक लेकर जाते हैं उसको, फिर उसको उसको जो है वो लो टेम्परेचर जो है वो मीडियम टेम्परेचर मीडियमली हाई टेम्परेचर एक्सपोज करते हैं, ठीक है। मीडियम टू हायर टेम्परेचर पे उसको एक्सपोज करके स्लोली स्लोली उसको डिटीरियोरेट करके फिर उस पर चेक किया जाता है, उसको फिर नॉर्मल ग्रोथ चैम्बर में रख के उसकी जर्मिनेशन चेक की जाती है। नेक्स्ट टेस्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है कि सीड को जब आप वाटर में रखते हैं सीड इम्बाइब करता है, तो आपने जर्मिनेशन का प्रोसेस पढ़ा था उसमें इम्बाइबेशन का प्रोसेस होता है और उसके साथ सोल्यूट लीकेज होती है, तो जो सीड लॉट स्टोरेज के दौरान ज्यादा डैमेज हुई होगी जिसकी विगर थोड़ी हुई होगी उसमें से सोल्यूट ज्यादा लीक करेंगे और वो उस सोल्यूशन में आ जाएंगे, उस वाटर में आ जाएंगे। अब उसी वाटर की फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक की जाएगी, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा निकलती है तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूट लीकेज ज्यादा हुआ है, सीड में डिटीरियरेशन ज्यादा हो चुकी है और इसकी विगर भी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करते हुए ईसी को चेक करते हुए भी सीड की विगर को असेस किया जाता है। इसमें सीड के जो है वो 50 सीड जो है वो काउंट किए जाते हैं, उनका वेट कर लिया जाता है, काउंट और वेट करने के बाद उसको बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर जिसकी ईसी 0 के ऊपर हो उसको चेक करके उसकी ईसी चेक करके उसमें सीड को डाल दिया जाता है। 24 आवर्स के लिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, सीड इम्बाइब करता है, सोल्यूट लीक आउट होके सोल्यूशन में आते हैं, उसी सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर ली जाती है, फिर जो है उससे असेस किया जाता है कि अगर सीड लॉट की ईसी बहुत ज़्यादा हायर हो चुकी है उस सोल्यूट की सोल्यूशन में, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सीड लॉट ज़्यादा डैमेज हुई है, इसकी विगर बहुत थोड़ी है, तो इस तरह से उसकी विगर को असेस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सीडलिंग ग्रोथ रेट टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, सीड को जर्मिनेट करवाया जाता है, नॉर्मली उसकी जर्मिनेशन करवाई जाती है ऑप्टिमम टेस्ट के ऊपर, फिर टेम्परेचर के ऊपर, और फिर उसको जो है उसकी सीडलिंग जो है उस ग्रोथ को चेक किया जाता है। ये भी चेक किया जाता है कि कब इसने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया है, उसकी स्पीड भी देख ली जाती है, टाइम नोट किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है आप उसको जो है उसकी सीडलिंग जो है उसकी फ्रेश ड्राई बायोमास ले लेते हैं। इसके अलावा आप सीडलिंग की जो है वो लेंथ को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो उसकी रूट निकली है, जो उसकी शूट निकली है उसकी लेंथ से भी जो है आपको आइडिया हो जाता है कि जो हाई विगर सीड होगा उसकी जो सीडलिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 1 वीक जो है हाई विगर सीड जो है वो उसकी सीडलिंग जो लेंथ होगी जो बायोमास होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू लो विगर सीड। तो इस तरह से भी जो है वो सीड की जो है वो विगर को जो है आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये कुछ सीड विगर के टेस्ट हैं। अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है सीड विगर टेस्ट के वाले से या फिर डॉर्मेंसी के वाले से तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।